अच्छा दोनों रात को शाम को वीडियो बना रहे, शाम हो रही है एक्चुअली, बट वो रात लग रही है क्योंकि अब दिन बड़े हो गए, वो रात बड़ी हो गई है। और कुछ और बताओ क्या हाल है आपके? बढ़िया। दिन में ये फ्री नहीं होते इसलिए अब शाम को हम जाना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ता है इसके साथ, है ना? हम जा रहे हैं क्विक टेस्टी बाइक्स पे अपना लक ट्राई करने बिकॉज पिछली बार जब हम गए थे तो वो बंद था एंड हमको गरीब दी हट्टी जाना पड़ गया था, है ना? सो अब आज जा रहे हैं, अभी हमने कॉल भी नहीं करा, खुला ही होगा यार। हाँ, आज तो खुला हुआ, थर्सडे है ना? हाँ। तो क्विक बाइक्स एक्चुअली जो है वो हेल्दी मोमोज देते हैं, सूजी के हेल्दी मोमोज। इसको ज्यादा मोमोज खाने की आग लग रही है। सो आग लग रही है, आग लग रही है भाई। मोमोज कम से कम 10 दिन हो गए मोमोज बोले जा रही है ये। भाई मेरे को मोमोज पसंद है, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है, तो मैंने तो सोचा यार अब हेल्दी वाले सीधा ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं, चलते हैं क्या होता है, खुला है नहीं खुला है, नहीं खुला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, रोहिणी की मार्केट में जो शॉप्स की नेम है, सबसे अनोखे नाम, ये है आपका टिकटॉक जजमेंट, ये जजमेंट ठीक है, और भी अच्छा ये है रील्स, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे भी है, वो उसकी लाइट नहीं जल रही रील्स की, ये है रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये रहा इंस्टा, ये दिख रहा है आपको इंस्टा, और एप्पल, ये देखो ये है एप्पल कलेक्शन, एंड वो रहा हॉलीवुड, ये रहा हॉलीवुड, यहाँ बिग बॉस भी था कहीं, अभी आएगा बिग बॉस भी, मतलब क्या अलग अलग नाम है पूछो मत। ये आ गया आपका बिग बॉस मतलब क्या ही तो चीजें है यार, मतलब मजेदार है, क्या ही तो नाम है मतलब जगहों के, कि अगर बंदे का मन भी ना करे लेने का कपड़े तो वो ऐसी जगह हो सकता पक्का खरीद ले, रील्स बिग बॉस टिकटॉक हॉलीवुड, नहीं यू एग्री? आई डोंट, अरे अरे भाई है वो रेस्टोरेंट क्विक टेस्टी बाइट्स, उन्होंने सारा हमारे सामने ही सब कुछ बना रही थी वो सब कुछ, ये है ग्रेवी मोमोज और ये है स्टीम मोमोज वेज, यहाँ पे सब कुछ वेज ही था, और यहाँ दोनों पार्लर ओपन कर रहे हैं क्विक टेस्टी बाइट्स का बाहर से, और ये था कुल्लड़ मोमोज, कुल्लड़ मोमोज, वहाँ हम रिकॉर्ड सूजी वाले वहाँ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था बिकॉज मार्केट लगी हुई है वहाँ, बट कसम से सारा उसके जो आइटम्स है बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है, हेल्दी है सारे सूजी के, स्टीम वाला खा के दिखा बहुत औसम था, स्टीम वाले था सॉफ्ट, और वेज वैरायटीज है उनके पास सारी, ओनली वेज है, और स्वीट कॉर्न खाया था हमने ग्रेवी वाला, वो तो बहुत टेस्टी था, मोमोज की चटनी तो बहुत टेस्टी था, वर्थ है पूरी गोइंग, है ना, कसम से मजा आ गया खा के। मैं कभी किसी का जल्दी ना ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देती क्योंकि मैं ना चीजों को ना बहुत वो करती हूँ, मैं मोमोज जज करती हूँ कि यार मोमोज अच्छे थे और हेल्दी भी है, सबसे बड़ी बात सूजी वाले ना पता लग रहा था, पता लग रहे हैं कि हाँ भाई सूजी के ही है, कसम से बहुत सॉफ्ट थे, टेस्टी था बहुत टेस्टी, मतलब पनीर वाले तो बहुत औसम है, बहुत औसम, और चीज कॉर्न वाले भी बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी थे, मजा आ गया बहुत अच्छा था, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी यहाँ आना, यहाँ लड़की थी ना यहाँ पे, उनके पास भीड़ लगा दो अपनी, है ना, बहुत बहुत बढ़िया है, अगर आप और चीजें देखना चाहते हैं पिज्जा भी है, पास्ता भी है, कई सारी चीजें हैं और सारी मतलब मैदा फ्री, हाँ पिज्जा पास्ता स्वाइक सॉस क्या था, पास्ता वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बर्गर्स भी है, चाप भी है, फ्रेंच फ्राइज भी है, मतलब हेल्दी चीजें हैं, ऐसे मतलब पूरा अनहेल्दी नहीं है, हाफ हेल्दी हाफ अनहेल्दी, क्योंकि यहाँ चॉकलेट शेक भी ना तो अनहेल्दी में जाता है, हमने वो पिया नहीं, हमने खाली अभी तक मोमोज ही खाए हैं यहाँ के, बहुत क्योंकि सूजी वाले हम वही खाने आए थे, मेन तो ट्राई करना, बहुत मजा आ गया।
मैं बार बार आना पड़ेगा मुझे यार चटनी बहुत टेस्टी थी पर अब क्या बोलते हैं वो ना फ्रेशली उस वक्त बना रही थी ये नहीं उन्होंने पहले से बना रखा है फिर गरम कर रही थी वो हमारे सामने सब कुछ बना रही थी सब कुछ उसको सॉस मिक्स करना मोमोज स्टीम करे उन्होंने हमारे सामने सब कुछ हर चीज हमारे सामने कर दी मतलब इसलिए मेरे को ये भी बहुत अच्छी लगी चीज कि पहले से कुछ करके नहीं रख रखा उसी टाइम बना के देते हैं तो फिर अब हम जाते हैं हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि हम हो गए बहुत लेट अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय।